हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूं कि मैंने किस तरह से अपने करवा चौथ के लिए साड़ी में से सूट सिलवाया है। ये देखिए, ये साड़ी मेरी पहले की रखी हुई थी, जो मेरी शादी में की गई थी साड़ी, तो उसी से मैंने ये अपने लिए सूट तैयार करवाया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने शॉर्ट कुर्ता सिलवाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि मैंने इसमें से साड़ी में से ही इसके वर्क का, जो इसका पल्लू का वर्क था, उसमें से मैंने शॉर्ट कुर्ता निकलवाया है और इसकी मैंने बाजू में नीचे से अस्तर नहीं डलवाया है और बाजू पे मैंने हल्का सा बॉर्डर भी वर्क वाला रखवाया है, जो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए, मैंने इसमें से एक प्लाज़ो भी खुला वाला सिलवाया है। इसके लिए मैंने थोड़ी अलग से नेट ली थी, क्योंकि इसमें इतना प्लेन नेट नहीं निकल रही थी, तो वर्क था उसमें साड़ी में, तो मैंने इसमें से थोड़ी सी 2 मीटर के करीब प्लेन नेट ली थी, वो मैंने इसमें लगवा के और ये खुला वाला प्लाज़ो बनवाया है। और मैंने नीचे इसके भी बॉर्डर लगवाया है साड़ी के वर्क का, तो ये भी खुला पहनने में बहुत अच्छा लग रहा है। और तो फ्रेंड्स, कुर्ता और प्लाज़ो आप देख चुके हैं। और अब ये देखिए, मैंने इसी साड़ी में से वर्क की, जो वर्क था इस साड़ी में, तो उसमें से मैंने ये चुन्नी भी इसी में से बनवाई है और ये पूरी चुन्नी पे वर्क है और थोड़ा सा इसमें प्लेन नेट भी आई है, तो ये देखने में बहुत सुंदर लग रही है और पहनने में पूरा सूट बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे तो ये सूट अपना बहुत प्यारा लगा है, तो मैं ये चाहती थी कि अगर आपके पास भी ऐसी साड़ियाँ हैं तो आप भी प्लीज़ इसमें से ऐसे सूट बनवाइए। मेरी साड़ी का वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मुझे लगा कि इसमें से सूट अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने करवा चौथ की वीडियो और पिक भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए सूट कितना अच्छा लगता है पहनने के बाद, और काफ़ी लोगों ने मुझे अच्छे कमेंट्स भी दिए इसके सूट के ऊपर, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपनी पुरानी साड़ी को यूज़ करके और ये सूट सिलवाया और अपने करवा चौथ पर डाला। तो सुहागन करवड़ा चल चले तो पानी पीना।